नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा कुमारी। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हम बात करते हैं 11 तारीख को हुए टूरिज्म स्ट्राइक, जिसमें टूरिज्म से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। बीच का या 10 साल से बंद है। कौन बोला बीच या ओपन है? मदर नहीं है बीच। कौन बोला ओपन है? बीच 10 साल से बंद है। छोटाया आदमी लोगों को, पुलिस को रहता है। कौन बोला बीच या खुला है? बीच बंद है 10 साल से। 10 साल से बीच बंद है। ₹1,00,000 खर्चा किया हम गाड़ी बनाने के लिए। 1,00,000 खर्चा किया होटल बोले से हम लोग पता चलता। हम लोग गेस्ट को बोलते सर ये होटल में जाइए, ये होटल में जाइए। हम लोग सर्विस देता है, होटल में क्या जाके सोता है खाली। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है, अभी जो ताज में और बैरफुट में ग्रुप आया था 300 जन का, 300 जन का एक ग्रुप आया था शादी के लिए, उनका किसी का RT-PCR नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बच्चे लोग आया, उनको VIP ट्रीटमेंट दिया गया। क्यों? कोई बड़े 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 पार्टीज के थे, ठीक है, सीधा आया, उनके लिए स्पेशल बोट दिया गया, हैवलॉक गया, आधा टूरिस्ट को बाहर निकाल के दूसरे बोट में शिफ्ट किया गया, वो एक अरेस्टमेंट, ठीक है। प्लस उनका वहाँ पे कोई कोविड का कोई प्रोटोकॉल नहीं मेंशन किया गया। उन लोग वहाँ दारू चलता था, सब कुछ चलता था, गैदरिंग तो पूछो मत। मतलब मैरिड डेस्टिनेशन जो बोलते हैं ना, मैरिड डेस्टिनेशन, वो गैदरिंग का हिसाब से उन लोग बहुत एकदम हाली शान में बनाया, कोई रोक टोक नहीं, कोई प्रोटोकॉल मेंशन नहीं है। वो टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को दिखता नहीं। एक आम गरीब टूरिस्ट जो LTC में आता है, जो यहाँ वहाँ से पैसा जमा करके आता है, उनके बच्चा को कोरोना हो गया। अभी कितना भी केस जमा किया है, डबल डोज वाला में नहीं है, डबल डोज में एक या दो जिसको फीवर हो गया, कुछ हो गया, बाकी सब बच्चे। माँ बाप अपसेट होके बैठा हुआ है, टूरिस्ट का जो माँ बेटा बच्चों को कोरोना हो गया पॉजिटिव बोल के, माँ बाप अपसेट होके रूम पे बैठा हुआ है, लेकिन बच्चे खुद के खेल रहे हैं। कोई कोरोना नहीं है मैडम, क्योंकि ये ऐसा है, अगर आपको सर्दी है, मैं अभी खुद बोल रहा हूँ, हमको चेक करो, हमको पॉजिटिव दिखाएगा, क्योंकि हमको सर्दी है, चेक करो हमको दिखाएगा पॉजिटिव, लेकिन नहीं एडमिनिस्ट्रेशन किट में दिखाएगा आपको। आप सोचिए, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरकार है, इतने गरीब लोग बैठा है, जो अपना चेन मेन, औरत का चेन मेन रख के, सब कुछ रख के, फिटनेस का अरेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट का अरेस्टमेंट, ठीक है, ये ₹50 पर डे फाइन करा गया, एक एक आदमी का कम से कम 8,000 से 10,000 फिटनेस करा गया है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।